खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे जीतनाजी तो अब आपको देते चले एक ख़बर भमर आजाद कश्मीर से जहां पर ब्यूरो चीफ अरशद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी मिठी जंड के मकाम पर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ में एक खौफनाक तसदुल इंसाफ के कारकुनान मोहम्मद जहीर जा बहाक रमज़ान गोली लगने के बायिशद ज़ख्मी जबकि महफूज जो कि महफूज पर डंडों से वार किए गए जो शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे जीत नासी नब आप को खबर देते चली रैनला खुद से जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मलिक नवीद नकाश की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा दीपालपुर में सरकारी अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ी गई खुफिया इतला पर सी हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद का टीम के हमरा मेडिकल स्टोर पर छापा मेडिकल स्टोर से बड़ी मकदार में सरकारी अद्वियात बरामद ओकाड़ा में स्टोर से डी सिटी और टी दी दीपालपुर की मेडिसिन बरामद कर ली गई जितना नाजी खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं आपको खबर देते चले उकाड़ा से जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मलिक नवी नकाश के मुताबिक नेशनल हाईवे पर किसान अड्डा के करीब तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया रफ्तार बस जो कि तेज़ रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत दो अफराज बस के नीचे आने से जहाँ भाग बस उलटने से मुतयद अफराज शदीद जख्मी रेस्क्यू और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई अब आपको खबर दें नारोवाल से जहाँ पर हमारे रिपोर्टर हाफिज़ मुश्ताक अहमद बंदी के मुताबिक एल ए सैंतीस जम्मो चार नारोवाल एक सौ तिहत्तर पोलिंग स्टेशन में से एक सौ बत्तीस पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नतज हासिल हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद सदीक भटली जो के बीस हजार तेरह वोट लेकर दूसरे नंबर पर जबकि पी टी आई के अकबर सरगाला बाईस हज़ार वोट लेकर दूसरे नंबर पर जबकि पी टी आई दो हज़ार वोट से आगे है जितना नाजीन अब आपको खबर देते चलें मंडी भाउद्दीन से जहाँ पे आजाद कश्मीर एल ए अठतीस पोलिंग जारी है मंडी भाउद्दीन एल ए अठतीस जम्मू पाँच मंडी भाउद्दीन के महाजिर कश्मीरी वोटिंग का अमला जारी है मंडी भाउद्दीन में एक हज़ार छः सौ तिरानवे मर्द और एक हज़ार दो सौ छिहत्तर वोटर्स जबकि टोटल वोटर्स की तादाद दो हज़ार नौ सौ उनसठ जबकि मंडी फाउद्दीन में 16 पोलिंग स्टेशन जबकि 33 पोलिंग बोथ बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए चार सौ एहलकार तैनात किए गए हैं असली की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आए थे खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिलातफी कार्रवाई होगी हल्का एल ए में आठ उम्मीदवारों में मुकाबला होगा खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे जितना आजीन खबर दिला से जहाँ पे मलिक मोहम्मद नवाज खोखर के मुताबिक गैर हतमी नतीजा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन दो हज़ार इक्कीस एल ए चौंतीस जम्मू वन सैलामाली पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर वन सिलाी कुल कास्टिंग वोट दो सौ इक्यासी नासिर हुसैन डार जो कि पी एम एल एन से हैं इनको एक सौ उनतालीस जबकि मोहम्मद रियाज गुजर पी टी आई से इनको एक सौ अठारह जाहिद इकबाल पी 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 से छः वोट जबकि मोहम्मद ताहिर खोखर सोलह सलमान अली दो खबर दें आपको कंडियारों से जहाँ पे हमारे नुमाइंदे आपको आगाह करते चले नज़ीर अहमद चांडी के मुताबिक खैरपुर मीरस में बी के मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट सिंध मिस्टर रईस फयाज़ हुसैन मरी की रिहाईश का पर मनक़द हुई जिसकी सरबराही भी फ़याज़ हुसैन ने खुद सर अंजाम दी जिसमें मेन दूर दराज के इलाकों से रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कामयाब बनाया मुक्री ने चेयरमैन बलोच इंटरनेशनल कांग्रेस ट्रस्ट के मिस्टर लाल डनू मरी साहब के मंशूर को सराहा जिसने सब बलोच भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया कोशिश की और इंसान की खिदमत करने की हिम्मत दी मजीद शुरुआ ने तालीम के फरोह के लिए ब्रीफिंग दी जिससे तालीम को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश पर जोर दिया गया क्योंकि तालीम होगी तभी तो तरक्की मुमकिन होगी खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर दी जीतना सिंह डिस्ट्रिक्टिहाड़ी से हमारे डिस्ट्रिक्ट पेरो चीफ मोहम्मद मौजम की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में पाकिस्तान के मरूफ डांसर ख्वाजा सरा सुल्तान उर्फ महकमलिक के खिलाफ अगवा के मुकदे का ड्रॉप सीन हो गया फैसल ने खुद अपने आप को गायब किया और महक मलिक को ब्लैकमेल करके भारी रकम बटोने का प्लान बनाया डीएसपी सदर विहाड़ी ने अपनी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज्तर रोज विहाड़ी की रिहायशी शरीफा बीबी ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया कि पाकिस्तानी मशहूर डांसर सुल्तान उर्फ महक मलिक और इसके सेक्रटरी सजावल उर्फ सज्जू ने मेरे बेटे फैसल को अगवा कर लिया और बीस लाख रुपये तावान मांग रहे हैं जिसमें महक मलिक ने अबूरी जमानत करवाई और शामिल तफ्तीश हुई विहाड़ी पुलिस ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुघवी को ढूंढ निकाला जिससे तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि मुघवी ने अपने आप को खुद छुपाया हुआ था और महक मलिक को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरना चाहता था अब आपको खबर ने उकाड़ा से जहां पे आपको आगा करती चली जीतनासीन मलिक नवीद नकाश के मुताबिक हलका एल ले 42 और एल ए 34 उकाड़ा से पहला रिजल्ट मोصول हो गया है पोलिंग स्टेशन में टोटल पंद्रह में से तीन वोट पीपल्स पार्टी लेकर कामयाब जबकि मुस्लिम लीग नून दो वोट लेकर जो कामयाब ना हो सकी तरीके इंसाफ को दो वोट मिले जिसपे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा एक वोट आजाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हुआ मुकर्र वक्त तक सिर्फ आठ वोट ही काश हो सके जी तनाजी तो अब ख़बर दें आपको जंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके कोट बहादुर शामी सालाना इस्लामी कुइज़ एंड नात तकरीर मुकाबला मनकद हुआ जिसमें तहसील भर से जिन बच्चों की ख्वाहिश है वो कुइज़ नात या तकरीर में हिस्सा लेने की ख्वाहिश हों चीफ ऑर्गनाइज़र मुजफ्फर अब्बास वारसी मलिक मसूद खोकर चीफ चेयरमैन बरकत अली खान जरताश चीफ कोई सेलेक्टर्स डॉक्टर सफदर अब्बास सियाल मोहतरम शाहिद मदनी से राबता कर सकते हैं जिनके मोबाइल नंबर ये हैं जीरो थ्री जीरो सिक्स सेवन टू डबल एट थ्री सिक्स नाइन ज़ीरो थ्री ज़ीरो फाइव सिक्स फोर सेवन सिक्स टू नाइन फाइव मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए राबे की आखिरी तारीख पंद्रह सितंबर है और मुकाबले की आखिरी तारीख तीन अक्टूबर है अच्छे परफॉर्मेंस बच्चे बच्चियों को मुख्तफ इनाम से नवाजा जाएगा इलाके की तमाम लोगों और शख्सियात को खसूसी दावत दी जाती है अब आपको खबर दी बुरे वाला से जहां पे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हल्का एल ए चौंतीस वन पोलिंग स्टेशन नंबर बयालीस का नतीजा आज मौसू हो चुका है जीतो नाजिन आज न्यूज़ को मौसू हुआ है जहां पे नवाज लीग के नासिर हुसैन डार 19 वोट लेकर कामयाब जबकि पी टी आई के, के रियाज अहमद दो वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर अठतीस वोटों में से इक्कीस वोट कास्ट हुए हैं खबर शामिल करते हैं डेरा मराज जमाली से हमारे नुमाइंदे राजी खान मरी के मुताबिक आपको खबर दें पोलिंग ऑफिसर मोहम्मद अकबर कुरेशी पोलिंग स्टेशन मुग़ल खान सियाल और मीर हसन खान अपने फरज मसहबी सर अंजाम दे रहे हैं पोलिंग का अमल सुबह आठ से शाम पाँच बजे तक जारी रहेगा पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की तादाद सिर्फ एक है एसएसपी अब्दुल हई आमिर ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया इस मौके पर आपको बताते चले डी एस पी गुलाब खान शेख समेत दीगर भी मौजूद है पोलिंग के बाहर बाबा पोलिंग के बाहर पुलिस की जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं जी दराजी अब आपको खबर देते चले आजाद जम्मू कश्मीर से जहाँ पे आपको आगाह करते चले मलिक नवीद नगाश के मुताबिक उखाड़ा में अब तक तीन वोटर्स ने अपना वोट कास्ट कर दिया है वोट कास्ट करने वालों में इमरान इरफान और मुमताज बीबी शामिल हैं तीनों वोटर्स का रेनाला खुद से है तीनों वोटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एम पी ए चौधरी जावेद अलाउद्दीन अपने हमरा लाए थे अब आपको खबर दी झंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद खान के मुताबिक पुलिस रोड और सुल्तान के जो के कलियार वाला में कार्रवाई शराब की चालू भट्टी पकड़कर मुलजिम मुजाहिद अब्बास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया सजीतना सिंह ईद से एक दिन पहले शराब कशीदा करके ईद पर बेची जानी थी पुलिस मुखबरी हुई तो रेड करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया क्या मुकदमा दर्ज करके मुलिम को हिरासत में ले लिया गया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है जीतनाज़ तो इंचार्ज चौकी इशवाक अंजुम का कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी डीएसपी सर्कल अट्ठारह हजारी और डीपीओ पी की हदायत पर चोट डकेती भत्ताखोरी और रसागिरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा आवाम के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं मैं दिन रात चौकी में मौजूद हूँ मुझसे मिलने के लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं अब आपको खबर दें लोधरा से जहां पे हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरद के मुताबिक लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलिम इजाज कसाई हवालात में बंद मुलिम इजाज उर्फ पुन्नू ने असले के ज़ोर पर ज्यादती की कोशिश की मुकदमे का मतन चीतनासी मुलिम ने एल तोड़ दी पैसे और मोबाइल भी उठा लिए मुलिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है एस एच ओ थाना सिटी करोड़पका ने हमरा ही टीम फौरी मुलजिम को गिरफ्तार किया मुलिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी अब आपको खबर देते चलें जीतनासीन हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन बख्श भांजी की रिपोर्ट के मुताबिक राजा खान कंडरानी ने कहा कि दिन दिहाड़े मरी कॉम के हथियार बंदों ने ज़मीन पर कब्जा करके किसानों पर हवाई फायरिंग गांव के लोग इकट्ठे होने लगे तो हथियार बंद भाग निकले पुलिस को इतला दी गई लेकिन पुलिस ना पहुंची अगर कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा हम हुकूमत सिंध आई जी सिंध डी आई जी लाड़काना एस एस पी जैकमा से अपील करते हैं कि बदमस्त एस एच ओ पर नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ़ फराहम किया जाए अब आपको खबर दें खुशाब से जहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के मौके पर खुशाब में सिक्योरिटी खसूसी इंतजाम इस हवाले से हमारे डिप्टी बी चीफ राजा नूर इलाति की खसूस रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुदशाह मोहम्मद नवीद ने आजाद जम्मू व कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में जिला खुदशाब में मुख्त किए गए पोलिंग स्टेशन का खसूस विजिट किया डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर ने सिक्योरिटी इंतजाम को चेक किया और पोलिंग के अमल का जायजा लेते हुए मुनासिब अहकाम भी जारी किए वाज रहे है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के रहायशी मुल्क भर में अपने अपने आर्जी रहायशी शहरों में अपना हक रायदई इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिलसिले में जिला खुदशाब में भी तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए जी ने अब आपको खबर दी लोधरा से जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जो थाना जिला अराई सरफराज एबक का फौरी एक्शन जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम मुलजमान ने बेवा मंजूरा माई की जमीन पर कब्जे की कोशिश की बेवा मंजूरा माई चार पाँच दिनों से अपनी बेटी के घर गई हुई थी मुलजमान ने डेढ़ तोला तलाई जेवर चोरी मकान का आठ एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया जिला पुलिस ने तीन मुलिम लियाकत आलम और गफार को गिरफ्तार कर लिया मुलजमान से एक ट्रैक्टर दो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई किसी को भी नाजायज किसी जमीन पर कब्जे करने की इजाजत नहीं दी जाएगी मुलजमान के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाएगी जी तनाजी अब आपको खबर दें कराची से जहाँ पे हमारे रिपोर्टर अयाज अली एरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज एम पी ए राजा अब्दुल रजाक ने कराची भैंस कॉलोनी यूसी फाइव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मलिक तालानी जावेद इकबाल काकू सावान आरिफ आरफानी और दीगर कार एम पी ए राजा अब्दुल रजाक ने वहाँ के मसाइल खुश के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और एम पी ए ने यह भी कहा कि अगर मैंने आपके मसाइल हल नहीं किए तो मैं इस साल इलेक्शन नहीं लूंगा और एम पी ए राजा अब्दुल रजाक ने एस ओ पी के हवाले से भी बात की और कहा कि ये हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का मिशन है अगर घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं और उनका मजीद ये भी कहना था और, चोके और इन पी ए राजा थे जिनका कहना था कि हर एम पी ए को पचास करोड़ रूपए मिले हैं जो अमांड में कामें लगाई जाएगी